नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कोर्स के इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम लेमन बूटनेट को हमारे एंड्रॉइड मोबाइल पर हम कैसे उसे इंस्टॉल या फिर सेटअप कर सकते हैं। हम गाइस इस वीडियो के अंदर अपने क्लाउड मशीन का यूज करेंगे, बिकॉज गाइस क्लाउड मशीन की मदद से आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे वो भी पहले मैं आपको बता देता हूँ। क्लाउड मशीन से फायदा ये होगा इसके, ना तो आपको कोई पोर्ट फोल्डिंग वगैरह करनी होगी, डायरेक्टली आपने सेटअप कर दिया, रन कर दिया और आपका जो सर्वर है वो हमेशा रनिंग होता रहेगा। लेमन बोटनेट गाइस मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज गाइस इसके अंदर हम आगे चलकर पेलोड भी बाइंड करने वाले हैं। काफी पावरफुल बोटनेट है गाइस, जो कि आपको हेल्प करेगा एंड्रॉइड मॉनिटरिंग करने के लिए। तो कैसे सेटअप करते हैं गाइस, लेटेस्ट वर्जन के मशीन पर कैसे सेटअप करते हैं वो सब हम देख लेते हैं। इसके लिए गाइस करता क्यों, सबसे पहले तो मेरा टर्मक्स ओपन कर लेता हूँ और SSH से अपने मशीन के अंदर मैं लॉग इन हो जाता हूँ। इसके लिए मैं टाइप करूंगा SSH रूट @ और अपने मशीन की IP एड्रेस मैं यहाँ पर फिल करूंगा। मेक श्योर गाइस आपने प्रीवियस वीडियो देखकर आपने देख लिया होगा किस तरह से हमें यहाँ पर मशीन को बनाना होता है। तो ओके, यहाँ पर हम देख सकते हो मैं मेरे काले मशीन के अंदर लॉग इन हो चुका हूँ। सबसे पहले तो मैं इस टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। अब गाइस इसके अंदर हम ट्राई करेंगे कि क्या यहाँ पर जावा 8 इंस्टॉल हो पा रहा है कि नहीं, बिकॉज गाइस जावा 8 इंस्टॉल करने में बहुत से यूजर को प्रॉब्लम आती है। तो सिंपल से मैं करता क्यों, यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन करते हैं और एक बार करते क्या है, हम यहाँ पर लेमन के गिटहब पेज पर चलते हैं। लेमन के गिटहब पेज पर आने के बाद जो हमारे फर्स्ट वाले कमांड है जो कि ये है ओपन जेडीके 8 हमें इंस्टॉल करना होगा, वो यहाँ पर मैं पेस्ट करके देखता हूँ कि वो इंस्टॉल हो पा रहा है कि नहीं। ओके, मैं पेस्ट करूंगा, एंटर करूंगा। एंड गाइस एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन जेडीके 8 जीआरई हैज नॉट इंस्टॉलेशन कैंडिडेट, यहाँ पर इस तरह से एरर आ रहा है। ओके, इसे कैसे फिक्स करते हैं आइए देखते हैं। इसे फिक्स करने के लिए सिंपल से अगर आपको करना क्या, गूगल पर सर्च करना है इंडेक्स जावा 8 डेब, जो फर्स्ट वाली वेबसाइट मिलेगी ftpdebian.org, इस वाली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सारे जावा के वर्जन की फाइल्स देखने के लिए मिल जाएगी जावा 8 की। तो हमें गाइस जो इंस्टॉल करनी है वो हमें जेआरई हेडलेस करनी है। तो यहाँ पर हेडलेस की कैटेगरी देख सकते हो और हमारा जो आर्किटेक्चर है गाइस वो यहाँ पर AMD है। अगर गाइस आप एंड्रॉइड मोबाइल पर कर रहे हो, लाइक एंड्रॉइड मोबाइल पर काला लिनक्स पर कर रहे हो, तो आपको नीचे जो ARM64 वाली डेव फाइल है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। बट फिलहाल हम AMD डिवाइस पर कर रहे हैं तो हमें AMD वाली फाइल को सिंपल से होल्ड ऑन करना है और कॉपी लिंक एड्रेस है इसे कॉपी कर लेना है। इसे कॉपी करने के बाद आपको करना क्या, यहाँ से wget कमांड आपको दे देनी है। देखते हैं कि wget कमांड देकर इसे पेस्ट कर देना है, एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद गाइस ये जो फाइल है आपके मशीन पर डाउनलोड हो जाएगी। ओके गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो चुकी है। इसे डाउनलोड होने के बाद गाइस सिंपल से आपको इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड लगानी होगी dpkg -i और आपको इस वाली फाइल को पेस्ट कर देना होगा ओपन जेडीके, एंटर की दीजिए। एंड एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर सारे कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट कर देगी। अगर हम यहाँ से देखें जावा वर्जन क्या है हमारे मशीन का, एंड देखते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। तो गाइस यहाँ पर आप देखा कि हमारे पास कुछ एरर आ चुके थे, तो उस एरर को फिक्स करने के लिए गाइस आपको सिंपल से ये वाली कमांड लगानी होती है apt फिक्स ब्रोकन इंस्टॉल। इसके वाली कमांड लगाते हैं जो भी आपके मशीन के अंदर जो भी यहाँ पर ब्रोकन हो चुके हैं पैकेजेस वो इंस्टॉल हो जाएंगे। अब गाइस हम दोबारा देख लेते हैं जावा वर्जन को, क्या वर्जन हमारा 8 हो चुका है कि नहीं। ओके, एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली हमारा जो वर्जन है 1.8 हो चुका है। ओके कूल, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ पहले तो टर्मिनल को, और अब हम चलते हैं यहाँ पर लेमन के पेज पर। ओके, गूगल क्रोम ओपन करते हैं और हम आते हैं लेमन के पेज पर। फर्स्ट वाली चीज तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जावा 8 को हमने इंस्टॉल कर दिया। अब हम सेकंड बढ़ते हैं यहाँ पर नोड जेएस इंस्टॉलेशन हेयर पर, नोड जेएस की बाइनरी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए सिंपल से यहाँ पर आपको टाइप करना होगा फोर्थ वाले यहाँ पर देखिए डेबियन उबंटू बेस लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे नोड जेएस बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आप गिटहब पेज पर हो जाओगे, नोड सोर्स के गिटहब पेज पर आ जाओगे। स्क्रोल डाउन कर देना आपको सिंपल से, एंड स्क्रोल डाउन करने के बाद गाइस आपको करना क्या होगा, यहाँ पर वर्जन 15 भी है वर्जन 14 भी है, बट मैं फिलहाल में यहाँ पर एज अ डेबियन वर्जन 14 यूज करने वाला हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग 15 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, 14 भी आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं सिंपल से पेस्ट करूंगा, एंटर कर दूंगा। यहाँ पर एंटर करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे कुछ एपीडी यहाँ पर सारी नोड जेएस की कुछ भी जो भी फाइल्स है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली और अपडेट भी हो जाएंगी। ओके, इसको एक बार कंप्लीट हो जाने देते हैं। इसको कंप्लीट होने के साथ साथ गाइस हम करेंगे क्या, यहाँ पर आएंगे दोबारा, बैक आना आपको, एंड दोबारा आपको बैक आना है लेमन के पेज पर आ जाना आपको। ओके, लेमन के पेज पर आने के बाद गाइस जो थर्ड वाली कमांड है इसको आपको कॉपी करके रख लेनी है। ओके, ध्यान दें गाइस आपको डायरेक्टली नहीं आना, पहले फर्स्ट वाली कमांड, फिर सेकंड वाली कमांड, फिर थर्ड वाली कमांड पर आनी, नहीं तो आपके सामने एरर्स बहुत सारे आ जाएंगे।
इसे होने के बाद सिंपल से आपने जो थर्ड वाली कमांड कॉपी की है इसे आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आप देखो npm install pm2, pm2 इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके इसको होने देते हैं। इसको होने के साथ साथ गाइस आपको फोर्थ वाली कमांड पर करना क्या, इस पर क्लिक कर देना हेयर पर। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको तीन वर्जन मिलेंगे लेमन के, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लेमन 1.1.2 वाले वर्जन को ही चूज करें। इसको होल्ड ऑन करना है, यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस करना है, बैक आ जाना आपको और दोबारा अपने टर्मक्स पर आ जाना है। टर्मक्स पर आने के बाद फिर से आपको डब्ल्यूगेट कमांड लगानी है और इस वाले फोल्डर को आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद गाइस एलएस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखो बहुत सारे फोल्डर बन चुके हैं। पहले तो मैं टर्मिनल को पूरा क्लियर कर लेता हूँ। ओके ओके यहाँ पर आप देखो ये फोल्डर आ चुके हैं। अब मैं करूंगा क्या, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें जावा की जरूरत नहीं है, तो इस वाले जावा के पैकेज को मैं यहाँ से अनइंस्टॉल कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ओके अब मैं करता क्या, एक फोल्डर बना लेता हूँ जहां पर क्या होगा गाइस कि हमारे लेमन के सारे की सारी फाइल्स यहाँ पर सेव हो पाएंगी। लेमन का फोल्डर बनाने के बाद अब आपको करना क्या होगा, एनजिप कमांड देनी है। ओके एक बार देख लेते एनजिप पैकेज हमारे मशीन के अंदर इंस्टॉल भी है कि नहीं। ओके इंस्टॉल है, कूल क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। अब आपको देना है गाइस एनजिप। एनजिप देने के बाद आपको लेमन वाले फोल्डर को चूज करना है। इसके बाद आपको देना -D और कौन से वाले फोल्डर में देना चाहते हो, लेमन के फोल्डर में एंटर कर दीजिए यहाँ पर, और सारे जो भी लेमन के अनजिप फाइल्स होंगी वो आपके इस वाले फोल्डर में आ जाएंगी। सीडी करके लेमन फोल्डर में आपको चलना है। ओके यहाँ पर आपके सारी जो आपकी जो फाइल्स अवेलेबल है। अब गाइस यहाँ पर आपको एक कमांड देनी होगी npm install। ये वाली कमांड गाइस यहाँ पर आप भी आप देख सकते हो, यहाँ पर फिफ्थ वाली कमांड में देख सकते हो npm install इन्होंने बताया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको एंटर कर देंगे। ओके दोबारा मुझे एक एलोगो लगाना होगा इंस्टॉल। ओके इसको करने के बाद गाइस आपको करना क्या होगा, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है pm2 start index.js इस वाली फाइल को आपको रन करना होगा, तो हम इसको स्टार्ट करके इसे रन कर देते हैं। ओके यहाँ पर आप देखो रन हो चुकी है और इन्होंने फिर से बताया हुआ है कि इसको स्टॉप करना है। फिर आपको सिक्स नंबर पे देख सकते हो इन्होंने बताया है एक बार आप इसे स्टॉप कीजिए, तो हम करेंगे क्या, इसे दोबारा से हम कॉपी कर लेंगे और इसे स्टॉप कर देंगे यहाँ पर। ओके स्टॉप कर दिया, क्लियर कर देते हैं यहाँ से इसे। और क्लियर करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे mandb.json फाइल पहले नहीं आ रही थी, बट जैसे हमने स्टार्ट किया तो mandb.json फाइल हमारे सामने ओपन हो चुकी है। नैनो से हम इसे ओपन कर लेते हैं mandb.json फाइल को, एंटर कीजिए और यहाँ पर देखो तो पासवर्ड की जगह ब्लैंक है। ओके इन्होंने भी बताया अगर यहाँ पर आप देखो पासवर्ड कहाँ से लाना होगा, आपको पासवर्ड सेट करना होगा लोअर MD5 हैजेस को। न्यू सेशन ओपन करते हैं, न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं, सॉरी न्यू पेज न्यू टैब ओपन करते हैं। मैं यहाँ पर सर्च करूंगा MD5 हैज जनरेटर, पहले वाली वेबसाइट को ही ओपन कर लेते हैं। और वेबसाइट को ओपन करने के बाद गाइस हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम दे देंगे निक, ये वाला मैं यहाँ पर यूजर नेम दे देता हूँ, जनरेट कर दूंगा मैं यहाँ से इसे। और जनरेट करने के बाद गाइस ये जो हैज है इसको मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और सिंपल से मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। ओके यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इसे कोलन लगा के। ओके इसको अब मैं करता हूँ ओ सेव करके एंटर करके क्लोज कर देता हूँ। अब गाइस मैं दोबारा से pm2 वाली जो स्टार्ट इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल है उसको हम रन कर देते हैं। ओके इसको मैं रन कर देता हूँ। एंड गाइस रन करने के बाद हमारी जो मशीन की आईपी एड्रेस थी वो हम देख लेते हैं कि हमारा जो लेमन सर्वर है वो यहाँ पर स्टार्ट हो पाया है कि नहीं। मैं गूगल क्रोम ओपन करूंगा, इस वाले टैब को यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ और मैं अपनी आईपी एड्रेस यहाँ पर फिल करूंगा जो कि 3.6533 एंटर करूंगा यहाँ से। एंड गाइस एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने वेब पैनल आ चुकी है, हमारे सामने पैनल आ चुकी है लेमन की। ध्यान दे गाइस मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी, अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको सिक्योरिटी ग्रुप्स को चेंज करना होता है, वो वाली वीडियो देखिए जहां पर मैंने आपको अहमद रेड का सेटअप दिखाया था। उसमें अगर आपको करना क्या होगा, इनबाउंड और आउटबाउंड यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर आपको एक ही जो कि SSH होगा जो कि VPS मशीन पर होता है और विंडोज पर RDP का प्रोटोकॉल ही ओपन करके देते हैं, तो उनको चेंज करके आपको ओल्ड ट्रैफिक कर लेना होता है, जिससे क्या होगा सभी जो ट्रैफिक है हमारे मशीन से जितने भी पोर्ट्स ओपन होने चाहिए हो सकते हैं, जितने भी पोर्ट्स के कनेक्शन आए वो हमारे मशीन पर आ सकते हैं। ओके यहाँ पर सिंपल से मैं करता क्या हूँ गाइस, इसे मैं यहाँ पर आपको करना क्या एडमिन देना है यहाँ पर, तो और पासवर्ड में सिंपल से आपको दे देना है जो कि आपने पासवर्ड रखा था, निक हमने रखा था। लॉगिन करता हूँ यहाँ से इसे। ओके यहाँ पर गाइस देख सकते हो हम लॉगिन हो चुके हैं। पेलोड बनाने के लिए गाइस सिंपल से करना क्या होगा, आपको पेलोड की आईपी एड्रेस, पेलोड की कौन सी आईपी एड्रेस देनी होगी आपको, ये जो आपकी मशीन की आईपी एड्रेस है 3136
ओके 136.106.96, ओके इसको बिल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखते हो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली बिल्ट हो चुका है। मैं सिंपल से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ हमारे इस वाले मोबाइल पर। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद मैं सिंपल से इसे ओपन कर लेता हूँ और इंस्टॉल कर लेता हूँ हमारे इस वाले मोबाइल के ऊपर। ओके मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जो भी परमिशन है वो आपको दे देनी है। ये तो क्या था, एक डेमो पर्पसेस के लिए था। ओके इसको यहाँ से देख करते हैं। नोटिफिकेशन परमिशन को यहाँ से अलाउ कर लेता हूँ। कनेक्शन देखने के लिए गाइस ये एक डेमो पर्पस के लिए था। ओके अब हम देखते हैं कनेक्शन को। डिवाइस पर मैं चलता हूँ और डिवाइस पर जाने के बाद गाइस यहाँ पर आप देखते हो हमारा लेनोवो मोबाइल यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। इस तरह से आपको लेमन के बोटनेट को सेटअप करना होता है अपने क्लाउड मशीन पर और यहाँ पर आपको उसे एप्लीकेशन को इस तरह से बनाना होता है। खैर यहाँ पर आगे हम बाइंडिंग वगैरह देखेंगे, बाइंडिंग करेंगे और यहाँ पर हम इसे एफयूडी भी करने की कोशिश करेंगे, वो सब हम आगे की वीडियो में करेंगे। परसिस्टेंट भी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम आगे की वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में तो वैसे आपको इतना ही देना है कि देखना है कि किस तरह से आपको सेटअप करना होता है क्लाउड मशीन पर। मैंने सेम प्रोसेस आपको क्लाउड मशीन पर करके दिखाया है। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो सेम प्रोसेस से आप अपने ऑफलाइन कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं। बस आज के लिए बस नहीं, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।